तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो यार बेसिकली आज की इस वीडियो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं टाटा की नेक्सॉन के बारे में। तो यार रिसेंटली अभी टाटा का एक और नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है, टाटा नेक्सॉन XMS। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि टाटा में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला वेरिएंट है वो XM वेरिएंट है, क्योंकि इस वेरिएंट में काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं और प्राइस भी है जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है। तो इसीलिए टाटा ने बहुत ही चालाकी के साथ टाटा के नेक्सॉन के साथ एक नया वेरिएंट ऐड कर दिया है, टाटा की नेक्सॉन XMS। तो गाइज अगर हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएंट की प्राइस की, तो टाटा का जो नेक्सॉन XM आता था इसका प्राइस रहता था गाइज 52,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाएंगे। और इसमें आपको जो फीचर्स मिलने वाले वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, और ज़्यादातर ये जो फीचर्स वगैरह हैं ये आपको किसी भी गाड़ी की जो कॉम्पैक्ट एसयूवी की अगर मैं बात कर लूँ तो टॉप एंड वेरिएंट्स में ही मिलते हैं, ज़्यादातर ऑप्शनल वेरिएंट वगैरह में ही आपको सनरूफ वगैरह जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस ऐसे फीचर्स आपको टाटा की नेक्सॉन प्रोवाइड कर रही है 8,36,000 एक्सोरूम प्राइसेस के साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम लोग बात करते हैं कि इस बजट में आपको क्या क्या फीचर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक और बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ, नीचे रेड कलर का एक बटन आ रहा होगा वहाँ पे प्रेस करके हो जाओ सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन हो रहा होगा उसको प्रेस कर देना। उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वगैरह चला जाएगा। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो वैसे भी टाटा की जो नेक्सॉन है वो सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है इस प्राइस सेगमेंट में, और कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको इतने सारे सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड नहीं करती है, चाहे मैं बात कर लूँ वेन्यू की, चाहे मैं बात कर लूँ XUV300 की। गाइज रीज़न ये है क्योंकि XUV का जो प्राइस है वो इससे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पड़ जाता है आपको, इसलिए वो मैं कह रहा हूँ कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको कोई भी गाड़ी इतने ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड नहीं करती है। अब अगर इसके साथ आपको टाटा की नेक्सॉन में आपको सनरूफ वगैरह भी ऐड हो जाता है फिर तो क्या ही कह लें, इसके कॉम्पिटिशन की फिर गाड़ी कोई रहेगी नहीं। वैसे गाइस मैं बता दूं कि ये सारे फीचर्स ऐड करने का रीज़न ये है क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा हुआ है, और किया सोनेट के लॉन्च होने के बाद स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इस सेगमेंट में जो धमाल वगैरह है वो मच गया है, और जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो गया है। तो इस सारे चीज़ को देखते हुए टाटा नेक्सॉन ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि सनरूफ वगैरह को ऐड कर दिया अपनी टाटा की नेक्सॉन XMS वेरिएंट के साथ। तो गाइस चलिए वीडियो को फटाफट से आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको टाटा की नेक्सॉन XMS में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो अगर हम लोग पहली फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो गाइज आपको अब टाटा की नेक्सॉन में 8,00,000 में ही आपको देखने को मिल जाता है स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, जिसके जो कि आपको ज़्यादातर गाड़ियों में कि ऑप्शनल वेरिएंट में ही देखने को मिलता था, जैसे कि 10,00,000 के बजट के जो ऊपर की गाड़ियाँ रहती थी वहाँ पे आपको सनरूफ जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते थे। पर अब आपको टाटा की वजह से आपको बहुत कम प्राइस रेंज में जो लोग अगर वैल्यू फॉर मनी पैक लेना चाहते थे गाड़ी XM और उनको सनरूफ वगैरह भी चाहिए था, तो यार वो यहाँ पर टाटा की नेक्सॉन XMS के ऊपर जा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं। तो यार देखो ऑटोमेटिक वाइपर्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स क्या होते हैं, देखो होता क्या है कि गाइस जब बारिश वगैरह पड़ता है तो ऑटोमेटिकली जो वाइपर है आपको वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वाइपर चालू हो जाता है, आपको ऑन वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वैसे तो ये फीचर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं आता है, पर इन द केस आपको मतलब ऑटोमेटिक वगैरह में ज़्यादा प्रीफर करते हो तो वहाँ पर आप इस वाले वेरियंट को खरीद सकते हो, ये वाला फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाता है। तीसरे फीचर्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाता है देखने को। तो यार ऑटोमेटिक हेडलैम्प में क्या होता है कि जब आप गाड़ी आप चला रहे हो रात को और अंधेरा वगैरह हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह वो जल जाती है, आपको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस बात कर लेते हैं अब हम अपने चौथे फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको गाइस देखने को मिल जाता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। तो यार स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर मुझे लगता है, जब आप गाड़ी वगैरह चला रहे हो और आप अकेले चल रहे हो तो वहाँ पे आपको आपकी जो मीडिया वगैरह जो है उसको अगर आप ऑपरेट करना चाहते हो तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आता है, सॉन्ग्स वगैरह को चेंज करने के लिए, ट्रैक वगैरह को चेंज करने के लिए, या फिर कॉल वगैरह को रिसीव या डिक्लाइन करने के लिए वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। तो इतने सारे फीचर्स के लिए जो आप 52,000 रुपये पे कर रहे हो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैक आपको टाटा प्रोवाइड करा रही है। सो गाइस अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको और किन इस सेगमेंट की और कौन कौन सी गाड़ियां हैं जिनमें आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो महिंद्रा की XUV300 में आपको देखने को मिल जाता है WLT ऑप्शनल में सनरूफ का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पर वेन्यू के SX मॉडल में आपको देखने को मिल जाता है सनरूफ।
फिर अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगली, तो डब्ल्यू आर वी में भी आपको सनरूफ देखने को मिल जाता है। पर गाइज यहाँ पे एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि 10 लाख के अंदर के बजट में या 9 लाख के अंडर के बजट में मैं कहूँ जो आपको सनरूफ वगैरह प्रोवाइड करा रहा है। वैसे तो सनरूफ का कोई खास यूज़ है नहीं अपने इंडिया की जो एटमोसफेयर वगैरह है यहाँ पे, पर जो सनरूफ होता है वो मतलब चमकी वगैरह मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, तो लोग इसे सनरूफ लेना प्रेफर करते हैं। सो गाइस लॉन्च होने के साथ ही टाटा की जो नेक्सॉन है उसने काफ़ी ज़्यादा खलबली मचा रखी थी अपने सेगमेंट में। तो अब फाइनली जो XM S का जो ट्रिम लॉन्च हुआ है, मुझे लगता है इसके बाद और भी इसकी सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा मुझे। आपको क्या लगता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो फटाफट से जाओ नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है वहाँ पे दबा करके सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब हो जाओ। साथ साथ बगल में एक बेल आइकन का बटन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर देना गाइस, उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा हमारा वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट के लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हो। तो गाइस यही था हमारा एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस मिलते हैं इसी इस तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।